गुड मॉर्निंग एवरी वन सो टूडेफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पार्ट फोर फ्रॉम लूस बाजी पोर्शन अबाउटेटा आज हम कॉर्डेटाज के फीचर पढ़ेंगे इससे पहले हमने पढ़े थे अभी तक आपके पॉरीफेरा हो गए सिलेंट्रेटा हो गया एनलेट हो गए मॉल्सका प्लेटेलम के उन सब के बारे में हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे के बारे में तो बेसिकली क्या होता है कॉर्डेटा के अंदर वो एनिमल आते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है अब नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बेसिकली नोटोकॉर्ड एक ऐसी स्केलेटन है कार्टिलेज जो कार्टिलेज होता है उससे बना हुआ एक स्केलेटन रॉड टाइप एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक जब एम्ब्रियो बनता है उसके डेवलपमेंट में ठीक है तो उसके जहां पर स्पाइन होती है वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है तो उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं और किसका बना होता है कार्टिलेज का बना होता है ठीक है एक होती है बोन एक होता है कार्टिलेज तो कार्टिलेज का बना स्केलेटन होता है रोड रॉड टाइप सपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप uh, होती है वहां पर और ये कुछ किसी किसी एडल्ट्स में भी पाई जाती है ठीक है किसी किसी एडल्ट कॉर्डेटा में भी पाई जाती है तो बेसिकली कॉर्डेटा में क्या फीचर्स आ गए नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन इट ऑल द कॉर्डेटाज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है सभी जो कॉर्डेटाज होते हैं वो कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है एक्टोडम मीजोडम एंडोडम तीनों लेयर से होता है यानी कि ट्रिपलो, ट्रिपलो हो गया तीन लेयर से बना हुआ ठीक है नाउ सीलोमेट सीलोमेट दे आर उनके अंदर सीलोम भी होती है एंड बायोलेट्रिली सिमेट्रिकल राइट सिमेट्रिकल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अ डोरसल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एक डोर्सल होलो ट्यूबुलर एक नर्व कॉर्ड होती है ठीक है डॉर्सल होलो का मतलब हो गया डोर्सल यानी कि जो ऊपरी सतह होती है वहां पर होलोमीन्स खाली ट्यूबुलर टूबुलर मीन ट्यूब जैसी फीचर ऑफ कॉरेटा तो देखिये जहां पर कॉर्डेटा की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कॉर्डेटा का मतलब है जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये नोडोकॉर्ड जरूरी नहीं है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एम्ब्रियो में होती है ये किसी किसी जो एडल्ट एनिमल है उसमें भी पाई जाती है नोटोकॉर्ड ठीक है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फेरेंजियल स्लिट की अभी बात की है वो भी प्रेजेंट होती है और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ट्रिपलोब्लास्टिक सिलोमेट बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल ठीक है बायोलेट्रिली सिमेट्रिकल होते हैं अब यहां पर आपने एक ये लिखा हुआ है यहां पर पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट्स ठीक है ये क्या होता है बेसिकली तो फेरेंजियल में आपको बताती हूँ ये एक फीचर है ये कॉर्डेटा का बहुत मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेटा एनिमल्स का कॉर्डेटा uh, फाइलम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका मतलब क्या होता है कि ये एक ओपनिंग um, जैसे छोटे छोटे से छेद होते हैं उसी टाइप की ओपनिंग होती है फेरिंग्स और थ्रॉड ठीक है उनके बीच के अंदर फेरिंग्स जो होती है आपके आपने स्ट्रक्चर और अनाटोमी में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स क्या होता है आपके गले से जब आपका इस जो आपका गला होता है वहां पर ही आपकी फेरिंग्स होती है फेरिंग्स और लैरिंग्स एक ऑर्गन होते हैं तो फेरिंग से आप रखिए फेरेंजियल से फेरिंग्स और थ्रोट ठीक है थ्रोट गले और फेरिंग्स के बीच में ओपनिंग होती है छोटी छोटी वो बाहर की तरह बाहर की तरफ ओपन होती है वो ओपनिंग ठीक है तो वो बेसिकली छेद जैसी स्ट्रक्चर होती है इंफ्रमेटिव जो छोटे जो बहुत पुराने कॉर्डेटर्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और उसका काम क्या होता है बेसिकली फिल्टर फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर ठीक है अब क्या काम करते हैं कि जैसे पानी अंदर जाता है वहां से मुंह के अंदर तो ये फिल्टर का काम करते हैं ठीक है ये क्या करेंगे फूड पार्टिकल को वाटर से अलग करते हैं और ये एम्फीबियन में होती है एम्फीबियन मतलब उभयचर वाले जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं और ये फिशेज में भी होती है ठीक है तो ये ये गिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम भी करते हैं तो बेसिकली गिल फेरेंजियल गिल्सलेट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया ठीक है और यहाँ पर और हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत मेन फीचर मैंने आपको बता दिए हैं नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ठीक है जो हमें भी होती है नर्व कॉर्ड नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होती है फेरेंजियल किल्सलेट ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखने चाहिए बाकी अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देर आर टू सब फाइल कॉर्डेटा अब कॉर्डेटा के अंदर भी दो सब फाइलम है एक है प्रोटोकॉर्डेट एंड अनदर वन इज वर्टिब्रेटा ठीक है तो देख लेते हैं इनके फीचर्स क्या क्या है सम मेन ग्रुप ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अब इसमें डायरेक्टली इन्होंने ग्रुप्स को डिस्कस कर दिया है कौन कौन से ग्रुप्स आ गए हैं इसमें ठीक है अभी कॉर्डेटा के जो जिस, मेन ग्रुप है जिसमें वर्टिब्रेटा बेसिकली वर्टिब्रेटा के ग्रुप्स है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की तो प्रोटोकॉर्डेटा का जैसा का मतलब है प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि कॉर्डेट्स जो हैं उनसे जस्ट पहले वाले यानी कि पुराने वाले ठीक है तो उनकी थोड़े से कम डेवलप होते हैं कॉर्डेटा से तो इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोला गया है ठीक है उसको उस फाइलम में होते तो ये भी कॉर्डेट्स ही है ठीक है लेकिन ये प्रोटोकॉर्डेट्स में रखे गए क्योंकि थोड़े कम डेवलप है इनसे वर्टिब्रेटा से ठीक है दे आर जनरली फाउंड इन मेरीन मेरीन वाटर यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उनमें सेम फीचर्स होते हैं बायोलेट्रिकल बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं सिलोमेट होते हैं ठीक है और इनके अंदर नोटोकॉड भी होती है सभी वही फीचर्स आएंगे जो कि आपके कॉर्डेटा में आए हुए हैं ठीक है नाउ कम टू द वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा में देखिए अभी वर्टिब्रेटा में ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रा होती है वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर पीछे एक स्पाइन है उसके अंदर क्या है वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रा लगी हुई है ठीक है अभी हम कॉर्डेटा के फाइलम्स की बात करते हैं पाइसिस सबसे पहले आता है पाइसीज का मतलब क्या होता है पाइसीज मतलब होता है फिशेज ठीक है फिशेज सो एक्वेटिक लाइफ लाइफ मेन फीचर क्या है फिशेज हैं तो पानी में रहती है तो इसको लिख दिया हमने एक्वेटिक लाइफ यानी पानी वाली लाइफ होती है इनकी पानी में पाए जाते हैं जलीय जीव है ऑल दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनका Uh, ये कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं हमारी तरह ये वार्म ब्लडेड नहीं होते वार्म ब्लडेड का मतलब होता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है सर्दी हो चाहे गर्मी हो लेकिन इनका अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इनका ब्लड जो होता है वो टेम्परेचर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है इसलिए इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल इट्स हार्ट फॉर्म्स ओनली इन ब्लड एंड हैव टू चैंपर इनका जो हार्ट जो होता है वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को पंप करता है और इनके हार्ट में टू होते हैं अब पर याद रखते रहिए इनके हार्ट में कितने है है टू धीरे धीरे जैसे जैसे आगे एडवांस एनिमल आते जाएंगे उनके हार्ट के चैम्बर भी बढ़ते जाएंगे जैसे ह्यूमन बींग में कितने चैंबर होते हैं चार चैंबर होते हैं तो पाइसिस में कितने हैं टू रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रो द गिल्स इनमें लंग्स नहीं होते इनमें क्या होता है गिल्स होते हैं क्योंकि ये

कोल्ड ब्लडेड सेम पाइसिस की तरह यह भी कैसे है कोल्ड ब्लडेड है रेस्पिरेशन ट्रू द ग्सिन एंड लंग्स अब देखिए ये पानी से धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है इनकी वॉटर वॉटर uh, से मूवमेंट कहा हो रही है लैंड भी हो रही है तो अब ये कैसे इनका जो रेस्पिरेशन है श्वशन है वो कैसे होगा गिल्स से भी होता है स्किन से भी होता है और लंग्स धीरे धीरे इनमें लंग्स आ गए हार्ट है हार्ट में कितने चैंबर हो गए थ्री चैम्बर हो गए टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी देखिए यहां पर चैम्बर जो होते हैं बेसिकली ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है ठीक है तो यहां पर टू कि ऑरिकल कितने है? टू है वेंट्रिकल वन है एग्जाम्पल फ्रॉग नक्टूरस टोड एटसेट्रा एंड इक्टिफाइस सेलामेंडर ये भी इनके एग्जाम्पल है इनफैक्ट द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग इज कॉल ऑफ कॉल फॉर सेक्स ये बात याद रखने की जो फ्रॉग की आवाज होती है वो क्या है बेसिकली कॉल फॉर सेक्स के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है रेप्टीलिया वर्क की बात करेंगे रेप्टीलिया में आ जाइए रेप्टाइल कैसा होता है क्रॉलिंग एनिमल जो जितने भी क्रॉलिंग एनिमल होते हैं वो किसमें आते हैं रेप्टीलिया में आते हैं राइट क्रॉलिंग मीनस हो गया रेंगने वाले लैंड वर्टिब्रेट्स कॉल्ड ये कैसे होते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स हैं अब देखिए यहाँ पर आ गई इनमें क्या है वर्टिब्रेट्स आ गई है वर्टिब्राज आ गई हैं जैसे हमारी स्पाइन में वर्टिब्रेट्स होती हैं वैसे ही इनकी भी वर्टिब्रेट्स हो गई तो ये क्या है पहले लैंड वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर वर्टिब्रा है कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोल्ड ब्लडेड मैंने आपको बता दिया टेरेस्ट्रियल है टेरेस्ट्रियल मतलब ये कि लैंड पे रहते हैं और एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स इनमें कुछ कुछ एक्वाटिक पानी में भी होते हैं इट कंटेन्स टू पेयर ऑफ लिम्ब इनके अंदर Uh, दो पेयर ऑफ लिम यानी कि पैर जो होते हैं पैर हाथ जो दोनों स्ट्रक्चर आर्म्स बोल सकते हो या लिम्ब बोल सकते हो टू पेयर्स होते हैं द स्केलेटन इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल इनका बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है स्केलेटन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स रेस्पिरेशन बेसिकली किससे होता है लंग्स से होता है इट इट्स एग्स आर कवर्ड विद अ शेल अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब इसके जो एग्स होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल डिजर्ट स्नेक टॉटोइ क्रोकोडाइल टर्टल्स स्फीनोडॉन ठीक है ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए रेप्टाइल रेंगने वाले मीजोजोइ एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ रेप्ट कोबरा इज द ओनली स्नेक विच मेक नेस्ट कोबरा एक ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है बाकी कोई स्नेक नेस्ट नहीं बनाता हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड लिजर्ड वैसे पॉइजनस नहीं होती लेकिन हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड सी स्नेक विच इज कॉल्ड द हाइड्रोफिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक सी स्नेक जो होता है उसका नाम है हाइड्रोफिस जो की सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक है वर्ल्ड में एक पॉइंट हमारा रह गया मेजोसिक एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ रेप्टाइल क्यों कहा गया मेजोजोइक जो टाइम uh, पीरियड था मेजोजोइक मिडिल लाइफ पीरियड कह सकते हैं मेजोजोइक एरा कह सकते हो एक लाइफ पीरियड था जब बहुत ज्यादा जाइंट रेप्टाइल हमारी अर्थ पर थे ठीक है बहुत सारे लाइक डायनासोर एंड अदर मॉन्स्टरस बीस्ट रोमड द अर्थ ठीक है बहुत सारे जितने भी आपने आपने जो मूवीज देखी होगी उसमें देखा होगा कैसे डायनासॉर्स दिखाई देते हैं मॉन्स्टर्स जैसे बीस्ट जैसे होते हैं बड़े बड़े वो हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा जब होते थे इसीलिए इसको कहा गया एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ रेप्टाइल क्योंकि डायनासोर क्या है रेप्टाइल नाउ कम टू द फोर्थ फोर्थ ग्रुप एव्स एव्स मतलब होता है बर्ड्स ठीक है एव्स की बात कर रहे हैं दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स एव्स कैसे होते हैं अब सबसे पहला जो वार्म ब्लडेड एनिमल आया वो कौन सा है बर्ड एव्स ठीक है टैट्रापोड चार पैरों वाला वर्टिब्रेट्स विद अ फ्लाइट विद्लाइटेशन उनके पास कैसी है फ्लाइट के लिए यानी फ्लाई यानी कि उड़ने की अडेप्टेशन है इट्स फोर फीट मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू फ्लाई इसके जो आगे के पैर होते हैं वो कैसे मॉडिफाई होते हैं विंग्स बन जाते हैं उसके ठीक है जो आगे वाले पैर होते हैं वो कैसे मॉडिफाई हुए हुए हैं कि वो विंग्स की तरह दिखते हैं और वो फ्लाई ठीक है वो उड़ने में मदद करते हैं एक्सक्यूज मी द बोट शेप बॉडी इज डिविजिबल इंटू उनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है बोट यानी नाव जैसी होती है और डिविजिबल इंटू हेड नेक ट्रंक टेल चार भागों में इनको डिवाइड किया गया है उनका हेड होता है नेक एंड ट्रंक जो पेट वाला भाग है एंड द लास्ट वन इज टेल इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हैं लंग्स होते हैं बर्ड हैव नो टीथ इनमें टी इतनी होती है बीक हेल्प इन फीडिंग बीक जो चोंच होती है वही उसमें हेल्प करती है फीडिंग के लिए एग्जाम्पल क्रो पिकॉक पैरट एक्सेट्रा फ्लाइटलेट बर्ड्स जो फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकते उन बर्ड्स के नाम बताएंगे कीवी, ये दो है इंपॉर्टेंट है ये आ जाता है एग्जाम में लार्जेस्ट अलाइव बर्ड इज ऑस्ट्रिच जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अलाइव बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज अलीपुर कोलकाता एंड द लार्जेस्ट जू ऑफ वर्ल्ड इज क्रूजियन नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखते हैं नाउ कम टू द मेमेलिया जिसमें हम लोग आ जाते हैं मैमल्स ठीक है मेमेलिया मीन्स मैमल्स मेन फीचर्स की बात करेंगे स्वेट ग्लैंड होती है इनके अंदर ठीक है स्वेट ग्लैंड यानी कि जो पसीने निकलने वाली ग्रंथियां होती है वो होती है ऑयल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द स्किन ऑयल ग्लैंड भी होती है ऑल दीज एनिमल्स आर वार्मेड ठीक है, हार्ट डिवाइडेड फोर आप देखिए यहां पर फोर चैंबर हार्ट आ गया जैसे कि आपने एव्स में देखा था टूथ कम टू आइज इन दीज एनिमल डाइफायडोंट बोलते हैं उसको क्योंकि एक बार मिल्क टूथ आते हैं उसके बाद परमानेंट टूथ आते हैं डायफाइडोंट मीन्स हो गया दो बार आना ठीक है

सब क्लासेस प्रोटोथीरिया इट लेज एग्जाम्पल जो सॉरी इट लेज एग्स प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल अगर प्रोटोथीरिया का मतलब होता है कि वैसे जो एनिमल अंडे देते हैं एग्जाम्पल इकिडना मैथाथीरिया इट बियर्स द इमेच्योर चाइल्ड ये कैसे होते हैं इमेच्योर चाइल्ड को बियर करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैंग्रू कैंगू को आपने देखा होता है आगे बेबी होता है इमेच्योर होता है और वो पूरा बाद में बाहर आता है यूथिरिया इट बियर्स द वेल डेवलप्ड चाइल्ड इनमें कैसे वेल डेवलप चाइल्ड होते हैं ठीक है एग्जाम्पल क्या है हाइएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज ऑफ गोट ठीक है गोट जो गोट होता है उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है एवरेज थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस ठीक है इकिडना एंड डक बिल्ड प्लेटिपस आर एग ले मैमल्स जो इकिडना और डक बिल्ड प्लेटिप है वो एग लेइंग मैमल्स है एग देते हैं वो ठीक है थैंक यू वेरी मच